दोस्तों के साथ कुंड में पिकनिक मनाने के दौरान नहाते वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक हादसे का शिकार हो गया, जहां गहरे कुंड पानी में जाने के बाद युवक की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के लिए शव को जिला अस्पताल भिजवाया है। दरअसल मामला खुड़ेल थाना क्षेत्र के ग्राम गोदिया का है, जहाँ गोदिया में बने कुंड में 22 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ कुंड में नहाने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने के बाद वो गहरे पानी में जाने लगा। दोस्त कुछ समझ पाते लेकिन वो अंदर डूब गया था। तत्काल स्थानीय लोग और पुलिस को सूचना दी गई। तमाम प्रयासों के बाद रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक मूलतः राजपुरा जिला बड़वानी का रहने वाला है और इंदौर में एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दी है। मैं आपको बता दें कि ऐसे कई जगह है जहां लोग बिना किसी सुरक्षा के चले जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। क्या काम करते थे जो सांधु है? ये जो है ये राजपुर के निवासी हैं और ये यहाँ पर आईटी कंपनी में विजयनगर में नौकरी करते थे और कुछ 8-10 दोस्तों के साथ ये अपने खुड़ेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गोदिया खो करके जो गुफा है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जो झरने का पानी गिरता मेन जगह पर ये 3-4 दोस्त नहा रहे थे तो उसी में ये हादसा हो गया। भाई साहब कल ये बच्चे लोग गिरदिया खो खाई भड़क्या ग्राम भड़क्या जनकपुर तरफ पिकनिक मनाने गए थे। इसमें से एक अमन पिता प्रकाश कुशवाहा निवासी राजपुर बड़वानी जिले का गिरदिया खो की खाई में पानी में गहरे पानी में डूब के उसकी मृत्यु हुई है।